तो स्टार्ट पे गए यहाँ से, हमारे पास अगर वीएस कोड इंस्टॉल है तो वीएस कोड हम यहाँ से विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ से भी हम ओपन कर सकते यहाँ से हैं। भी कर सकते हैं, फाइल से डायरेक्ट भी कर एक सकते तरह हैं। का और भी होता है, या डायरेक्ट आप यहाँ से भी जाते हो, हम कमांड से भी कर सकते हैं। जैसे सीएमडी ओपन करेंगे तो डास ओपन हो जाएगा यूआरएल में, और यहाँ पे कोड करके डॉट डॉट करेंगे, दो बार एंटर करेंगे तो ये हमारा सीधे सीधे उसी फोल्डर में हमारा वीएस कोड खुलेगा, उसी पर्टिकुलर फोल्डर को क्या यूज साथ किया में। हमने? हमने दो चीज़ें यूज की, एक तो हमने यूज किया ये सी एम डी ओपन किया, फिर सी एम डी से सीएमडी हमने क्या किया, कोड लिखा, कोड के बाद दो डॉट दिया, फिर इंटर कर दिया। कोड क्या लिखा? कोड में कोड मतलब में कुछ नहीं, केवल कोड COD और दो डॉट दो डॉट बार। डॉट दो बार लिखा बस। तो अच्छा वो देखिए आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे जो चीज़ें हैं ना वो आपको सब यहाँ पे ओपन हो दिखा गए, देगा। सिलेंडर के अंदर हमें काम करना, सिलेंडर के अंदर आ गए। ठीक है। अब इसके अंदर कोई फाइल बनाना है तो यहाँ से फाइल बना लो। फाइल का नाम क्या देना है, अगर हमें ऑर्डर लिस्ट देना है तो हमने ऑर्डर लिस्ट कर दिया डॉट HTML, एंटर कर दिया, ये हमारी फाइल हमारी ऑर्डर लिस्ट की बन गई इसमें सितंबर के फोल्डर के अंदर। अगर आप यहाँ से चेक करना चाहोगे तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि यहाँ पे देखेंगे ये ऑर्डर लिस्ट की फाइल बन गई। अब यहाँ पे हमें मान लीजिए इसमें कोड लिखना है तो इसमें शॉर्टकट कोड भी चलता है। अगर आपको शॉर्टकट की बात करें, जैसे हम HTML हेड ओपन क्लोज ये सारी चीज़ें करते हैं, तो आप शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे और उसके बाद ये सारे कंटेंट्स जो है टैब दबाते ही आपको सारा का सारा मिल जाएगा। तो वो चीज़ें हमें बार बार HTML में लिखना नहीं पड़ता है। जैसे अगर हम एज अ बिगनिंग लेवल पे होते हैं तो थोड़ा सा हमें कोड को थोड़ा सा याद भी करना होता है, तो उस पर्पज से हम नोट पैड पर काम कर लेते हैं, नोट पैड प्लस प्लस से काम कर लेते हैं, जिससे कि हमें चीज़ें प्रॉपर तरीके से याद हो जाए कि क्या चीज़ें हैं। नहीं तो बाद में अगर कहीं पे आपको मिल जाता है तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है। यहाँ पे क्या है कि आपको ये चीज़ें इतना बेसिक फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। अब हम डायरेक्ट यहाँ से ऑर्डर लिस्ट पे काम करना है तो आप ऑर्डर लिस्ट पे काम कर लो। ऑर्डर लिस्ट पे जैसे मान लीजिए हमारे पास कोर्स कंटेंट कुछ इस तरीके से, हमने कोर्स कंटेंट हमने दिया। कोर्स कंटेंट में मान लीजिए हमारे पास ऑर्डर लिस्ट के लिए OL टैग होता है, OL। अब OL के बाद यहाँ पे हमें तीन LI लगाना है तो हमने LI यूज किया। पहला जैसे हमने यूज किया सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर के बाद हमने सेकंड वाला LI यूज किया हार्डवेयर का, हार्डवेयर का यहीं पे क्लाउड एंड नेटवर्किंग कर दिया, LI यूज किया क्लाउड, हार्डवेयर नेटवर्किंग या तो आप एक में कर लो। सॉफ्टवेयर में अगर हमें और भी कंटेंट चाहिए, जैसे आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बेसिक कोर्सेस हैं, तो अब हमने सॉफ्टवेयर में एक और लिस्टिंग बनानी है। अच्छा पहले इतने का अगर हम देखें तो आउटपुट क्या मिलेगा, हमने एक ऑर्डर लिस्ट किया उसमें तीन चीज़ें हमने डिफाइन की, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्किंग एंड क्लाउड। अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे तो कुछ इस तरीके से नंबर्स डल के आएंगे। सॉरी एक बार यहाँ पे राइट क्लिक करके भी देख सकते हैं, किसी दूसरे ब्राउजर में अगर ओपन करना है, थोड़ा सा ये रिस्पॉन्स तुरंत नहीं कर रहा है कोई बात नहीं सर, तो हम गूगल क्रोम में भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अभी यदि ये जा करके अब रिस्पॉन्ड किया है तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ इस तरीके से आएगा कोर्स कंटेंट। अगर आपको कोर्स कंटेंट को अगर आपको लगता है कि ये हेडिंग है तो आप उसको हेडिंग डाल दो, लिख H1 कर दिया और यहाँ पे हमने उसके अंदर पास कर दिया। अब सॉफ्टवेयर के अंदर भी मान लीजिए हमारे पास नंबर्स ऑफ कंटेंट्स और हैं, लिख तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इसमें हमने क्या किया, एक और ऑर्डर लिस्ट लगाया। इस ऑर्डर लिस्ट में हमने एक और LI दिया, ओएल जैसे ओएल मतलब ओ एल ऑर्डर में लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट है, LI मतलब LI का मतलब लिस्ट, ओनली लिस्ट। हाँ ओनली लिस्ट। अब यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर दे दिया, बेसिक कंप्यूटर, ठीक है।
अब इसके अंदर भी अगर हमें कुछ और कंटेंट चाहिए, हमने फिर से ऑर्डर लिस्ट लगाया, इसके अंदर फिर से हमें मान लीजिए एलआई लिस्ट हमें लगानी है, तो इस लिस्ट में हमने एमएस वर्ड किया, मतलब जो भी हम लोग जो भी कोड्स वगैरह जो भी कुछ लिखेंगे हम मैक्सिमम हाँ, लिखेंगे बॉडी के अंदर। हाँ, बॉडी के अंदर ही सारा कंटेंट लिखा जाता है, बट अगर हमारे पास लिस्ट ऑफ कंटेंट्स बनाने हैं बुलेट्स वाइज नंबरिंग करके, तो हम कुछ ओएल ऑर्डर लिस्ट का यूज करेंगे। ओएल और ऐसे ही बेसिक कंप्यूटर के बाद हमने अगर एक और लिस्ट बनानी है प्रोग्रामिंग का, तो वो भी बना सकते हैं। तो थोड़ा सा एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, बेसिक बेसिक सॉफ्टवेयर हो गया हेडिंग। हाँ, बेसिक कंप्यूटर कोर्स इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक हो गया। फिर इसके अंदर अच्छा, इसमें सारे वन से ही शुरू है। अगर हमें लगता है कि नहीं ये इसका रोमन अंक में होना चाहिए, तो हम यहाँ पे इसके टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं। इसके टाइप्स किस तरीके से देंगे, टाइप यहाँ पे एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। टाइप एट्रीब्यूट में हम रोमन अंक को डिफाइन करेंगे और सेव करके फिर यहाँ पे आएंगे ब्राउजर पे और रिफ्रेश मारेंगे, तो आप रोमन अंक में मिलेगा इसको वापिस जाना से। हाँ, यहाँ पे हमने क्या किया, ओएल में टाइप जो आपने लगाया ये रोमन है। हाँ, आई लगाया तो ये हमारा रोमन हो गया। और ऐसे ही बेसिक कंप्यूटर को उसके अलावा अगर मान लीजिए हमें एक और अल्फाबेटिक करना है, तो हाँ अल्फाबेटिक करना वो भी देखते हैं। जैसे हमारे पास ये कंप्यूटर्स वाले को अल्फाबेट करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि वन है, टू है, थ्री है। अब इसके अंदर वन के अंदर ए बी सी करना है, तो बेसिक है प्रोग्रामिंग करता हूँ यहाँ पे। ये हमारा पहला एल आई बेसिक्स हो गया और दूसरे एल आई में मैं प्रोग्रामिंग से यहाँ पे डालता हूँ। प्रोग्रामिंग किया और प्रोग्रामिंग में हमने क्या किया, और भी इसमें प्रोग्रामिंग में सी है, सी प्लस प्लस है, लाइक दिस ओएल टाइप। यहाँ पे हमने इसको भी अल्फाबेट्स देने हैं, तो हमने ए दे दिया। okay. और इसमें हमने फिर से लगाया एल आई, एल आई में हमने लिखा सी लैंग्वेज, और इसी के साथ साथ हमने सी प्लस प्लस दे दिया। सी प्लस प्लस जावा करना है तो जावा कर दिया, पीएचपी करना है तो पीएचपी कर दिया, और इसको हमने सेव कर दिया। सेव करके फिर से इसको रिफ्रेश मारेंगे तो आप देखेंगे, अभी देखिए वन के अंदर वन टू आ रहा है। हम चाहते नहीं इसमें भी क्या हो, वन टू आ जाए, यहाँ पे ए बी आ जाए, इसमें रोमन हो जाए। तो आप यहाँ पे इस पे क्या करेंगे, इसमें आप जा करके आई लिखेंगे और इसका टाइप चेंज करेंगे। इसका इसका टाइप हमने यहाँ पे दे दिया ए, तो यहाँ पे हमने रिफ्रेश मारा, देखिए हमारा ए बी। तो कुछ इस तरीके से हम ओएल टाइप हमें ब्लॉक बैक मतलब कैप्स में करने हैं। हाँ, कैप्स में आप लिखना है तो आप यहाँ से कैप्स में कर दो, एक जगह पे आपको मेंशन करना पड़ेगा, बाकी जगह ऑटोमेटिक वो ले लेगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर लिस्ट का मतलब हो गया नंबरिंग के साथ होता है। अगर यही चीज अनऑर्डर्ड करना होता है तो यहाँ पे हमने कंट्रोल सी करके दूसरी एडिंग दे दिया H3 में, अनऑर्डर्ड लिस्ट आर यूज्ड विथ बुलेट्स, और इसके बाद हमने यहाँ पे बुलेट्स का मतलब यहाँ पे है सिंबल, समझ गया। और यहाँ पे हमने ओ एल की जगह पे क्या करेंगे, यू एल करेंगे, यू एल जहां जहां पे ओ एल है वहां वहां पे यू एल हो जाएगा, यू एल। तो हमारे पास जहां जहां पे नंबरिंग आ रहे थे ना 1 2 3, वो 1 2 3 की जगह पे कुछ सिंबल्स आएंगे, और वो सिंबल्स हम डिफाइन कर सकते हैं कौन सा सिंबल्स है। तो सिंबल्स में जैसे हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पे कुछ फिक्स टाइप के हमारे सिंबल्स होते हैं, जैसे टाइप यहाँ पे कुछ डिस्क होते हैं, डिस्क स्क्वायर सर्कल। पहले तो हम वैसे ही रन करके देखते हैं बिना टाइप दिए,
फिर हम टाइप दे करके देखते हैं। अभी तो हमने बिना टाइप दिए रन कराएंगे, देन उसके बाद हम टाइप देंगे ओएल में। जैसे नंबरिंग में किया था हम लोगों ने बिना टाइप दिए, वैसे हम यहाँ पे भी क्या करेंगे बिना नंबरिंग्स दिए। तो देखिए हमारा ये डिस्क है, फिर ये हमारा सर्कल है, देन ये स्क्वायर है। तो इसमें ऑटोमेटिक देख रहे हैं, इसमें बुलेट्स अपने आप ले लिया। अगर आपको लगता है कि नहीं ये वाला सिंबल पहले होना चाहिए जो स्क्वायर वाला है, तो इनके कोड्स भी तो होंगे ना सर? हाँ, ये बुलेट्स भी तो कई टाइप बुलेट्स तीन तरीके के यहाँ पे होते हैं, तीन ही होते हैं। हाँ, तीन ही होते हैं। अगर हमें शुरू में ही स्क्वायर वाला चाहिए तो हम यहाँ पे टाइप स्क्वायर लिख देंगे, तो ये हमारा स्क्वायर वाला सबसे पहले आ जाएगा। देखिए ये स्क्वायर वाला आ गया। फिर यहाँ पे हमें डिस्क वाला चाहिए तो हम इसको यहाँ पे टाइप दे देंगे डिस्क। डिस्क में आपका सॉलिड फॉर्म में रहता है बट सर्कल में ही रहेगा, ये देखिए। और यहाँ पे हमें सर्कल अगर हमें यूज करना है तो इसमें हम टाइप दे करके सर्कल यूज करेंगे, ठीक है। ये हमारा सर्कल में हो जाएगा, तो डिस्क स्क्वायर सर्कल। तो ये चीजें हैं हमारे पास ओएल और यूएल का। ओएल हमारा ऑर्डर लिस्ट है, ओएल इज स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे हमने हेडिंग दे दिया ओएल इज स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट और यहाँ पे यूएल इज अनऑर्डर लिस्ट तो कुछ इस तरीके से अगर हमें कोई भी कंटेंट्स को अगर हमें नंबरिंग के साथ अगर हमें डिस्प्ले कराना है ब्राउजर पे या वेब पेजेस पे, तो हम क्या करेंगे उसको यूज कर सकते हैं ओएल और यूएल का यूज करके, ठीक है।